नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 को अगले 6 महीने के लिए यानी दिसंबर तक पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरे नागालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और ख़तरनाक है कि आम जनमानस की मदद और सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बलों की आवश्यकता हो गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन हालातों को देखते हुए सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 अफस्पा की धारा 3 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए पूरे नागालैंड राज्य को अशांत क्षेत्र माना जाएगा। जवानों के शिविर पर हुआ हमला था। असम राइफल्स के जवानों ने 2019 में नागालैंड में मोन जिले के पुराने और नए चेनलो इसो गांव के बीच स्थित अपने शिविर पर नेशनल सोशलिस्ट ऑफ नागालैंड खापलांग द्वारा किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। यहां जवानों के शिविर पर NSCN के द्वारा असम राइफल्स के शिविर पर हमला किया गया था। आपको बता दें कि पहले भी कई बार यह अफस्पा लागू हो चुका है। नागालैंड राज्य में लगातार हो रहे आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियों के चलते राज्य को पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। नागालैंड में लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है और यह आंदोलन कई गुटों में बंटा हुआ है। NSCN IM ने अलग झंडे और संविधान की भी मांग केंद्र सरकार से की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। अफस्पा कानून के तहत सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आपको ये भी बता दें कि गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर सिर्फ संदेह के आधार पर ही तलाशी ले सकते हैं और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अफस्पा के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर फायरिंग करने का भी पूरा अधिकार होता है। संविधान लागू किए जाने के बाद से ही भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए मणिपुर और असम में वर्ष 1900